राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है, वो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद में तो उनकी आवाज को बंद किया जा सकता है, हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनको बंद नहीं किया जा सकता। ये कैसा फैसला है जिसमें 24 घंटे में उनकी संसद सदस्य रद्द कर दी गई। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इस पर एजिटेशन भी करेगी। हम ये पूछना चाहते हैं, कब तक इस लोकतंत्र की आवाज़ को आप दबाने की कोशिश करेंगे जिसके साथ हजारों लोगों की आवाज़ हो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जब से उन्होंने अपनी पैदल यात्रा की है, लोगों का हजूम उमड़ा, उससे घबरा कर 2024 में किसी तरह राहुल गांधी जी जो जनता की आवाज़ बनते जा रहे थे उसको जिस प्रकार से रोकने की कोशिश की है, पूरे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। अगर लोकतंत्र की आवाज़ को बचाना है तो पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दल, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको एक विचारधारा के साथ, एक विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब समय आ गया है कि सब लोग इकट्ठा हों और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी लोकतंत्र विरोधी नीतियाँ उसका मुकाबला करने के लिए एक मंच पर आए। ये हमारा मेरा मानना है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जिस निडरता से राहुल गांधी जी और जिस दृढ़ता से वो लोकतंत्र का बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाला कल उनका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। किया है, एक प्रक्रिया को चैलेंज किया गया, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं।